हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितेश ऑल इन वन। और हम चल रहे हैं आज पूरी उड़ीसा के टूर पर। जी हाँ, 23 को हम निकल पड़े थे पूरी उड़ीसा के टूर पर अपने ही कार से बाय रोड, क्योंकि हमने प्लान कर रखा था और हमें ट्रेन पर रिजर्वेशन नहीं मिला। सडनली हमने ये प्लानिंग किया था, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम कार से ही चलें। आपको बता दूं कि धमतरी छत्तीसगढ़ से पूरी उड़ीसा की जो दूरी है अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर है। और हमने इस रूट पे सबसे पहले जो स्टे किया, नाइट स्टे, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में किया था, क्योंकि कंटिन्यू 700 किलोमीटर की जर्नी कार से पॉसिबल नहीं थी। वैसे भी हमारी कार काफ़ी छोटी है, अल्टो K10। तो हम निकल पड़े और सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में नाइट स्टे करने के बाद में हम आगे अगली सुबह फिर से चल पड़े पूरी के लिए। और दिन भर हम सफ़र करते रहे, इस बीच थोड़ी थोड़ा ब्रेक लेते रहे, और फाइनली हम शाम को पूरी पहुंच चुके थे। पूरी में होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम सीधे बीच की ओर निकल पड़े, बीच का आनंद लेने के लिए, जैसा कि आप दे सकते हैं। और फिर से अगली सुबह हम पूरी के बीच पर पहुंच गए। सबसे पहले हमने कैमल की सवारी की और फिर बीच के समंदर की लहरों का आनंद हम सब ने मिलकर लिया। और इस बीच हमारे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते रहे। वो पूरी के समुद्र तट में कभी पानी से खेलते, कभी रेत के महल बनाते, और हमने अलग अलग स्नैपशॉट्स लिए। कुछ फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी एंजॉय किया हमने इस पूरी तट पर। और इसके बाद में फिर हम यहाँ से फिर से अपने होटल गए एक बार, और वहाँ पे हमें नहाना पड़ता है समुद्र के पानी से नहाने के बाद, इसलिए। और हम वहाँ फिर अपने होटल से रेडी होकर निकल पड़े भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन के बिना पूरी का टूर अधूरा ही है। तो हम विद फैमिली पूरी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जगन्नाथ जी में भी काफ़ी हमें मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। ऑलमोस्ट आपको 4th जो आवर हैं वो लग गए, और फाइनली हमने प्रभु जगन्नाथ के दर्शन किया। और वापस वहाँ से आकर फिर से एक बार शाम को पूरी के बीच में एंजॉय किया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है शॉपिंग हमने किए, और साथ में कुछ जो आसपास प्लेसेस थे बीच के वो भी हमने देखा। सैंड आर्ट्स यहाँ पर थे एक दो, वो भी हमने देखा। कुछ शॉपिंग की, मोल भाव काफ़ी करना पड़ता है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, आपको जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जितना आप मोल भाव करेंगे उतना अच्छा रेट आपको मिल पाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में हम यहाँ से अगले दिन कोणार्क की तैयारी में थे, तो फिर भी हमने यहाँ पर लगभग 2 घंटे बिताया, और फिर अपने होटल जाकर नाइट स्टे किया। और अगले दिन हम कोणार्क की टूर पर निकले, जिसका वीडियो मैं आपको आगे शेयर करूँगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख सकते हैं नाइट में जो समुद्र है उसका व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पर अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर आप उसका भी जो है लुत्फ ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड, या इसमें आप बोल सकते हैं स्ट्रीट फूड में सी फूड्स जो हैं यहाँ पर मिलते हैं, तो आप इसका भी एंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, बट ऐसे जगहों पर आपको ये सब चीज़ देखना तो ज़रूर पड़ जाता है, क्योंकि जब आप वहाँ से निकलते हैं तो। और इस तरह से हमारा ये पूरी टूर काफ़ी एंजॉयफुल था। हैक्टिक तो था, क्योंकि 700 किलोमीटर की ड्राइविंग काफ़ी टफ होती है, वो भी एक छोटे कार में। और हम विद फैमिली यहाँ तक पहुँचे थे। काफ़ी कुछ सामान हमने लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी टेंपल का एक स्टैचू छोटा सा। और इस तरीके से हम अपना पूरी टूर जो है पूरा किए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।